तो भाई फोल्ड के ऊपर बात करते हैं। फोल्ड क्या है? अगर मान लो हमारे पास एक रॉक है जिसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं, एक लेयर्ड सिस्टम है, एक बढ़िया लेयर्ड रॉक है हमारे पास, और उस रॉक के अंदर क्या हो जाए, वो लेयर्स क्या हो जाए, कुछ उसमें अंडुलेशंस आ जाए। उस रॉक की जो लेयर्स है उसके अंदर अंडुलेशंस आ जाए, कैसे ऐसे हो गया? तो ये क्या हो गया, अपना फोल्ड हो गया, कि उस रॉक के अंदर क्या हो गया, फोल्ड आ गया। ये सबसे अच्छा विजिबल ही उसके अंदर है जिसके अंदर, जिस रॉक के अंदर क्या है, लेयर्ड सिस्टम है, मतलब काफी सारी लेयर्ड है। ठीक है, तो हमारे पास फोल्ड के अंदर ना काफी सारी चीजें आती हैं। जैसे सबसे पहले आ गया शेयर फोल्डिंग। ठीक है, तो शेयर अपन फोल्ड के ऊपर एक अलग डिस्कशन करेंगे बाद में, लेकिन अभी जो फोल्डिंग के ऊपर जो मैंने स्टडी की है वो क्या है कि जो फोल्डिंग है उसके अंदर क्या आ गया, पहला सबसे पहले क्या आ गया, शेयर फोल्डिंग। ठीक है, तो शेयर फोल्डिंग को हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, स्लिप फोल्डिंग। कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्लिप होगा कुछ। अब स्लिप क्या होगा, जैसे हमारे पास एक मैंने वर्टिकली ऐसे ड्रॉ कर लिया लाइनें, ये बेड रॉक्स नहीं है, ये मान लो एक बेड है, एक बेड लेके चल रहा हूं मैं। ठीक है, अब किसी ना किसी रीजन से उसके अंदर क्या हो जाए, स्लिप हो जाए, कैसे? मान ले ये सब तो ऐसे कैसे है, अब मान ले एक यहाँ पे था और ये थोड़ा सा ऊपर स्लिप हो गया, ये थोड़ा ऊपर स्लिप हो गया, ये थोड़ा फिर नीचे, ऐसे क्या हो गया कि एक, अगर अब इसका थर्ड स्टेप क्या बन सकता है, थोड़ा सा कर्व सा बना देते हैं, और फोर्थ स्टेप तो अपना क्या, फोल्ड बन गया। तो जब अपना स्लिप फोल्डिंग के अंदर क्या होता है, ये किस, ये क्या माइन्यूट डिस्प्लेसमेंट का रिजल्ट नहीं हमें नजर आ रहा है, कि छोटे 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 फ्रैक्चर हो गए हैं और माइन्यूट डिस्प्लेसमेंट हो गई है उस बेड के अंदर। तो उस माइन्यूट माइन्यूट चेंजेस से काफी सारे चेंज नहीं आ गए, एट द एंड इसने हमें देख क्या दे दिया। तो हमारे इसके अंदर क्या हो गया, शेयर फोल्डिंग का यही कॉन्सेप्ट है बेसिक। इसके अंदर क्या होता है, शेयर फोल्डिंग के अंदर जो अपना कोई ना कोई बेड है, जो अपना बेड है वो एट द एंड क्या हो जाएगा, वो थिन हो जाएगा। थिन कैसे, जैसे इधर मान ले मेरा एक्स और वाई है, और एक्स वाई से ये चेंज होके बाद में क्या हो गया, एक्स वाई तो इधर रहा ही रहा, मतलब ये सॉरी यहां आना था, ये पॉइंट यहां आना था, वाई तो रहा ही रहा, तो ऊपर वाला क्या हो गया, जेड आ गया। क्या एक्स वाई से मैं एक्स जेड वाई के अंदर जा रहा हूं? अगर ऐसा हो रहा है इस तरह, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई ना कोई एक्सटेंशन हुई होगी उस बेड के अंदर, इसीलिए शेयर फोल्डिंग हो गया। और इसके अंदर हमने क्या, सबसे पहले कि मैंने क्या बोला है कि एक अजम्पशन मान, चलो जो ये एक्स वाई है, एक ये क्या है, एक बेड है। ठीक है साहब, तो ये एक बेड है। अब दूसरी बात करते हैं, तो दूसरा क्या हो गया अपने पास, दूसरा आता है फ्लेक्चरल फोल्डिंग। फ्लेक्चर फोल्डिंग, फ्लेक्चर फोल्डिंग को दूसरा नाम देते हैं हम लोग ट्रू फोल्डिंग। ट्रू फोल्डिंग क्यों बोलते हैं, मान लो हमारे पास कोई ना कोई कुछ ना कुछ कुछ लेयर्स थी स्टार्टिंग में, क्या थी हमारे पास, कुछ लेयर थी जो बाद में लेयर्स बाद में क्या बन गई, उनके अंदर फोल्डिंग आई होगी। अगर फोल्डिंग आई होगी तो क्या जो लेयर्स हैं, जो ऊपर वाली दो एक फोल्ड का पार्ट है, इसको हम अगर आइसोलेट करके देखें, मतलब इसके अंदर फोल्डिंग आई ये बना, और उस फोल्डिंग के अंदर इंडिविजुअली अगर हम देखें तो क्या हमें ये वाला ऊपर वाला पोर्शन जो, इसके अंदर क्या खिंचाव नहीं आ गया, क्या खिंचाव नहीं आ गया इसके अंदर? और हम खिंचाव को फिजिक्स के अंदर क्या बोलते हैं, टेंशन। और जो दिंजी वाली है, इसके अंदर कंप्रेशन नहीं हो गया, जैसे कंप्रेस हो रही है अंदर की तरफ, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्रेशन। ये होगी मेरी फ्लेक्चर फोल्डिंग। अब देखो मेरी बात, अगर मैं इसको एक पर्टिकुलर रॉक को एक मैं इसको एक आइसोलेट करके पूरी की पूरी रॉक को देखूं, ये कब हुआ होगा, जब मैं इसको पैरेलली पैरेलली प्रेस करूंगा, अगर मैं इसको पैरेलली क्या करूंगा, अगर मैं इसको प्रेस कर दूंगा, और प्रेस करने से हमारा कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है, मैं इस पर्टिकुलर को डिटेल्ड में यहाँ पे आइसोलेट करके बता रहा हूँ, जिसके अंदर एक इंडिविजुअल जो लेयर है, मतलब इंडिविजुअल जो पार्ट है, उसको हम लोग अगर देखें तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए होंगे। एक के अंदर टेंशन आया रहा होगा, एक के अंदर क्या रहा होगा, कंप्रेशन आया होगा।
तो ये जो बिहेवियर है, इस तरह के बिहेवियर को, इस तरह की जो फोल्डिंग है उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लेक्चर फोल्डिंग या फिर ट्रू फोल्डिंग। एक आपको एक बात बता देता हूँ कि सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर, सेडिमेंट्री रॉक्स की जो फोल्डिंग होती है उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ लेयर्स होती हैं कंपिटेंट और इनकम्पिटेंट, जिसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। बस वैसे बता देता हूँ कि सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं उसके अंदर कुछ फॉर्मेशन होती हैं जो कि क्या होती हैं, कुछ कंपिटेंट होती है, कुछ क्या होती है, इनकम्पिटेंट होती हैं, और कुछ कंपिटेंट इनकम्पिटेंट होती हैं, जो मतलब हम इन दोनों को जोड़ के बोल सकते हैं कंपिटेंसी, एक टर्म दोनों के लिए। तो जो कंपिटेंसी है वो एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड करती है किसके ऊपर, क्रशिंग स्ट्रेंथ के ऊपर, कि उस पर्टिकुलर जो रॉक है उसकी जो इंडिविजुअल बेड्स हैं वो उनकी कितनी क्रश होने की स्ट्रेंथ है। दूसरी बात, मैसिवनेस, उनका अमाउंट कितना है, मैसिव कितना, कोई चीज मैसिव है मतलब कितनी ज्यादा कोई अमाउंट या फिर कितनी ज्यादा वो मैसिव है, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्ड में करेंगे जो कंपिटेंस है। अभी हम जो मेन उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं वो देख लेते हैं। और तीसरा हमारे पास क्या आ गया, फ्लो फोल्डिंग। फ्लो फोल्डिंग, और फ्लो फोल्डिंग क्या होता है, फ्लो फोल्डिंग ऑलमोस्ट इक्वल होता है शियर फोल्डिंग के। फ्लो फोल्डिंग ऑलमोस्ट इक्वल टू शियर फोल्डिंग, कैसे, इसके अंदर क्या होता है, जो स्लिप प्लेन्स होते हैं, हमने पढ़े थे ना स्लिप प्लेन्स, ये जो ये क्या है, एक ये प्लेन है, ये जो स्लिप, ये प्लेन जो क्या हो गया, सरफ सरक क्या, ये स्लिप प्लेन्स हो गए अपने, छोटे छोटे क्या हो गए, स्लिप, जो स्लिप प्लेन्स होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत ही नजदीक होते हैं, ज्यादा दूर जैसे इसमें ऐसे कुछ बना था, लेकिन इसमें कुछ बहुत ही नजदीक होते हैं स्लिप प्लेन जो होते हैं। और उसके बस इसके अंदर ये डिफरेंस है, इस करके इसको ऑलमोस्ट सिमिलर टू क्या बोल देते हैं, ये फ्लो फोल्डिंग के वो है। इसके एग्जांपल्स क्या देखने को मिलती हैं, लेमिनर फ्लो ऑफ लिक्विड्स, लेमिनर फ्लो ऑफ लिक्विड्स के अंदर जो लेमिनर फ्लो होता है उसके अंदर देखने को मिलती है। अब यार सवाल ये उठता है कि हम लोग यार फोल्डिंग पढ़े जा रहे हैं, इसको हम लोग वो कैसे करेंगे, इसको मतलब पता कैसे लगाएंगे यार कौन सा फोल्डिंग है, हम गैस कैसे करेंगे। तो दोस्तों अगर हम कंपिटेंसी की जैसे बात कर रहे थे, जरूरत पड़ गई कंपिटेंसी, अगर कोई, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं वैसे ही कि कंपिटेंट और इनकम्पिटेंट, इनकम्पिटेंट कंपिटेंट क्या हो गया, मान लो कोई जो लेयर है वो बहुत हार्ड होती है, इसके अंदर क्या होती है, वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, एग्जाम्पल आगे इसकी सेल के अंदर जैसे सैंडस्टोन वगैरह ये सब। तो कंपिटेंस हम ऐसे मान कर चलते हैं जो भी हार्ड सी लेयर है कोई वो क्या है, कंपिटेंट है। जो अभी हल्का सा बता रहा हूँ कि जो इनकम्पिटेंट है वो क्या होती है, थोड़ी सी सॉफ्ट सी लेयर होती है, ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं होती, जो कि इजिली मिसप्लेस या फिर डिसप्लेस हो सकती है, इरोड जल्दी हो जाती है, फिर इरोजन वगैरह जल्दी हो जाता है। तो कंपिटेंट, अगर अगर कोई बेड है जो कंपिटेंट है और वो ट्राई करता है कि वो ऐसा कैसा ही रहे, अपनी पोजीशन से ना हिले, और जो इनकम्पिटेंट है, कभी किसी लेयर के अंदर इनकम्पिटेंट बेड के अंदर थिक या थिन बन जाए वो किसी तरह, थिक या थिन बन जाए, जैसे हमने इसके अंदर किया था, जैसे एक क्या हो गया, तो क्या सॉरी कोई एक बेड है, कोई इनमें से इनकम्पिटेंट बेड, कोई इनमें से इनकम्पिटेंट बेड, वो क्या हो जाए, थिक या थिन हो जाए। अब देखो ये क्या, यहाँ पे ये थिन नहीं हो रहा, खिंचाव पड़ के टेंशन कारण ये थिन नहीं हो रहा, और ये क्या हो रहा है, ये थिक नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर ऐसा कुछ कंडीशन हमने फोल्डिंग के अंदर देखने को मिलती है तो उस तरह की फोल्डिंग को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, कैसे तो फ्लेक्चर फोल्डिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या आ गई हमारे पास, अगर किसी रॉक के अंदर जो स्लिप प्लेन्स हैं वो विजिबल हैं हमें, और विजिबल होने के बाद हमें वो यूनिफॉर्म थिकनेस, उनके अंदर थिकनेस के अंदर कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो
हमारी जो बेड थी जिसके अंदर किसी ड्रैग होने के कारण, स्लिप होने के कारण उसके अंदर जो जैसे एक्स वाई से एक्स वाई जेड बन गया, इसके अंदर खिंचाव होने के कारण थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है। लेकिन वैसे जो ओवरऑल जो लेयर्स हैं बाकी, वो सभी क्या होती हैं, वो यूनिफॉर्म थिकनेस की रहती हैं। तो उस तरह की अगर कंडीशन हमें नजर आती है कहीं पे, तो उसको हम लोग पहचानेंगे, ये तो शेयर फोल्डिंग की बात कर रहे हैं। और अगर तीसरा आ गया कि थिकनेस नॉट कांस्टेंट, अगर थिकनेस कांस्टेंट नहीं है तो उस तरह की फोल्डिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं कि वो फ्लो फोल्डिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है सब, तो फ्लो फोल्डिंग के ऊपर पता लगा लेंगे। अब यार थिकनेस थिकनेस चिल्ला रहा हूं मैं, थिकनेस अगर हम एक प्लेन ले लें सिंपल, कि मान लो मेरे पास तीन ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक वन, ब्लॉक टू और ब्लॉक थ्री, मेरे पास क्या तीन ब्लॉक्स हैं। अगर मेरे साथ मेरे जो सेकंड वाला ब्लॉक है उसके अंदर क्या होगी, स्ट्रेचिंग होगी। ठीक है, अगर वो स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेचिंग होने के कारण क्या होगी, चेंजेस आ जाएंगी। अब मेरा ब्लॉक वाला टू क्या हो, खिंच के इतना वो हो गया, तो क्या ये थोड़ा सा पतला नहीं हो जाएगा? ऑब्वियसली हो जाएगा यार, अगर हम किसी चीज़ को खींचेंगे तो खिंचाव के कारण पतला होने की कोशिश करेगी, थिन होने की कोशिश करेगी। तो जो हमारा ब्लॉक टू क्या हो गया, थिन हो गया, इस करके हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा बस थिकनेस बताने का मैंने वो बताया आपको कि थिकनेस कैसे, अब सो थिकनेस थिक से थिन या फिर नॉर्मल बेडिंग कैसे मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि मतलब ये ब्लॉक जो है खींचने के बाद कैसे हो जाता है, ये फोल्डिंग के केस में होता है ना जो थिन हो जाता है। जैसे इधर मैं बता रहा था कि हाँ यार थिन कैसे हो गया, या फिर ये देखो ये वाला पार्ट थिन कैसे हो गया, ये वाला इधर थिन कैसे हो रहा है खिंचाव के कारण। थैंक यू।